नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि चारपाई के अंदर एक नई डिज़ाइन से ए कैसे बनाते हैं और वो ए भी आपको पहले वाली ए मैंने लेफ़्ट टू राइट में बताई थी अब आपको राइट टू लेफ़्ट में बनाना बताऊंगा मैं आपको तो नई भी होगी आपको पहले वाली से अलग होगी ये ए और दूसरी बात यह कि राइट टू लेफ़्ट में इस प्रकार से ए बनेगी तो आपको दो बात एक साथ सीखने को मिलेगी इसमें और इससे पहले मैंने राइट टू लेफ़्ट में इस तरफ से बनाई थी वो तो वो भी आ, आप ए देख सकते हैं और ये ए, ए भी देख सकते हैं दोनों अलग अलग ए होंगी और डिजाइन भी आपको ये इस तरफ से बनेगी और वो इस तरफ से बनी थी यदि आपने और ए से लेकर जेड तक मैंने सभी वीडियो बनाई है और चार पाए शुरू से कैसे बनाते हैं तो बहुत से दोस्तों कमेंट आया था कि बिल वाला रस्सी आप कैसे डालते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में मैंने दो वीडियो बना दिए हैं कि चार पाए शुरू से बनाई एक तो अभी पाँच दस दिन पहले ही मैंने डाली थी और एक बहुत पहले डाली है तो आप मेरे चैनल पे जाके सर्च करते हैं कि चार पाँच शुरू से बनाई तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी यदि नहीं मिलती है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा <coughs> तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं और सभी व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स का मैं धन्यवाद करता हूँ जो इतनी सपोर्ट करती हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि दोस्तों कुछ वीडियो पर आप डिसलाइक के कमें आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों कि आप डिसलाइक कर सकते हैं यह आपका हक है लेकिन आप डिसलाइक करने से पहले एक बार आप कमेंट करके बताइए ताकि मैं आने वाली अगली वीडियो में उसका सुधार कर सकूँ ताकि आपको ऐसा मौका न दूँ कि आप डिसलाइक कर सके तो यह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बताइए ताकि मैं उसको सुधार कर सकूँ आने वाली वीडियो में आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा तो चलते हैं दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चार पाइम बंदे मोबाइल से नंबर्स और नाम हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिख कर बताए हूँ तो वो भी आप देख सकते हैं कई दोस्तों कमेंट आ आके पूरा नाम लिख कर बताइए तो मैंने पूरा नाम लिख कर बताया है और चारपाइम के अंदर मोबाइल्स नंबर भी लिख के बताए हैं तो वहाँ से आप मोबाइल नंबर्स भी देख सकते हैं और पूरा नाम भी देख सकते हैं तो इस प्रकार से आप नाम और नंबर्स बना भी सकते हैं आज मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल के नए हो तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों आपको एक नीचे लाइक का बटन मिलेगा वो भी दबा दीजिए और कमेंट करके आप अवश्य बताइए तो आपको वीडियो कैसी लगी तो ज़्यादा समय न लेकर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने रस्सी आपको दबानी है कितनी रस्सी उठानी ये सब चीज़ मैंने हमें ए बनाते हैं कोई भी अक्सर बनाते हैं उसमें कितनी रस्सी उठानी चाहिए वो हमें देखना है देखो पहले मैं लेफ़्ट टू राइट में बताया था वो अलग रस्सी दबेंगी अब मैं राइट टू लेफ्ट में बता रहा हूँ उसके लिए अलग रस्सी दबेंगी दोनों की अलग अलग बात है तो आपको दोनों ही डिजाइन उसे बता रहा हूँ मैं किस प्रकार से हमें बनानी है तो यहाँ से दोस्तों मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे मेरे पास चार रस्सी थी मैंने चार दवाई फिर तीन उठाई तीन दवाई तीन उठाई तीन, तीन, तीन दवाई फिर एक रस्सी मैंने उठाई है दोस्तों एक रस्सी का भी दोस्तों कई कमेंट आया था मेरे पास एक रस्सी किसको बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ देखो ये रस्सी है हमारी इसमें डबल रस्सी है इसको मैं एक रस्सी बोलता हूं यदि मैं तीन बोलता हूं तो इसी प्रकार तीन रस्सी लेता हूं मैं ये तीन रस्सी हो गई हमारी यदि पांच बोलता हूं मैं तो इसी प्रकार दो रस्सी और ले लेंगे आप तो इस प्रकार से इनको मैं पांच रस्सी बोलता हूं आप जूम करके दिखा दें अगर मैं सिंगल रस्सी बोलता हूं आपको सिंगल रस्सी काटनी है तो उसमें सिंगल रस्सी काटता हूं मैं एक लेकिन मैं एक उठाता हूँ तो एक ये रस्सी आपको उठानी होगी ये ध्यान रखिए डबल में यदि मैं दो उठाता हूँ तो दो रस्सी ये यदि तीन है तो तीन इस प्रकार से आप एक दो तीन रस्सी का मतलब समझ सकते हैं यदि पाँच लेता हूँ तो दो रस्सी और ले लीजिए आप इन रस्सियों के मैं एक रस्सी या दो या तीन पाँच ये सभी बोलता हूँ इस बात का आपको ध्यान रखना है तो ये एक रस्सी आपको उठाना है अभी फिर तीन दबाई, तीन उठाई तीन दबाई, तीन उठाई तीन दबाई, तीन उठाई आगे सिर्फ आप तीन दबानी है, तीन उठानी। आपको, आपको उठाई आप। तीन, तीन, तीन दबाई तीन उठाई तीन, तीन, तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई आगे तीन उठाते और तीन दबाती रहिए फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दो रस्सी दबाई फिर तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई और यहाँ पे आके मैंने पांच रस्सी उठाई फिर तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई आगे तीन दबाते और तीन उठाती रही फिर दोस्तों मैंने एक रस्सी दबाई है फिर तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन, 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 तीन उठाई फिर एक रस्सी मैंने यहाँ पे दबाई है ये बहुत आसानी से देख सकते हैं आप एक रस्सी मैंने यहाँ पे दबाई फिर तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई आगे तीन उठाते और तीन दबाती रही उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे तीन रस्सी उठाई फिर तीन दवाई तीन उठाई तीन, तीन दवाई तीन उठाई तीन दवाई तीन उठाई तीन दवाई तीन उठाई इस प्रकार से आगे, आगे आप तीन दबाते हो तीन उठाते रहिए उसके बाद दोस्तों मैंने पे दो रस्सी उठाई फिर तीन दवाई तीन उठाई तीन दवाई तीन उठाई फिर यहाँ पे पांच रस्सी दबाई मैंने फिर तीन उठाई तीन दवाई तीन उठाई तीन दवाई तीन उठाई तीन दवाई आगे इसी प्रकार से तीन उठाते हो तीन दबाती रही दोस्तों आपको लहर बनती हुई आपको नजर आ रही है इस लहर से आगे आपको तीन उठानी और तीन दबानी है इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना आप तीन उठाते और तीन दबाते रहिए और ये लहर से आपको पीछे यहाँ पे दिख रहा है इसमें भी आपको तीन उठानी तीन दबानी यहाँ पे आपको सिक्वेंस बनेगा हमारा पहले तीन फिर दो फिर एक फिर तीन उठाएंगे फिर दो उठाएंगे फिर एक उठाएंगे फिर तीन दबाएंगे फिर दो दबाएंगे फिर एक दबाएंगे इस प्रकार से सिक्वेंस बनेगा ये रस्सी कब आपको काटनी है ब्लॉक में कैसे बंद करना है वो सभी चीज़ मैं आपको बताऊँगा हाँ तो दोस्तों आगे मैंने क्या क्या है यहाँ पे एक रस्सी उठाइए फिर तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई और एक रस्सी उठाइए एक रस्सी आप देख लीजिए जोड़ा से है ये इसी को एक रस्सी बोलते हैं फिर मैंने तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई आगे इसी प्रकार से तीन उठाते और तीन दबाते रहिए फिर यहाँ मैंने तीन रस्सी दबाई है तीन उठाई तीन दबाई 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 आगे इसी प्रकार से तीन उठाती और तीन दबाती रही अब दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ अब हमें ये ए है हम तो इस ब्लॉक में बंद करना है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एक रस्सी उठाई मैंने देखो एक दो तीन चार पाँच छः छठी रस्सी है आपको पहले ही बता चुका था कि इसमें आपको या तो आगे अक्सर शुरू होगा अगर यदि आपको आगे अक्सर शुरू करना है तो यहाँ पे आपको पाँच दबाना है सॉरी पाँच उठाना है यदि आपको आगे अक्सर नहीं करना है तो यहाँ पे तीन रखना है देखो कैसे एक उठाई मैंने यहाँ फिर तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई फिर तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई इस प्रकार से तीन उठाई और तीन दबाई है मैंने पूरा नाम लिखना बताया था कि आगे का अक्सर कैसे शुरू करना है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं कि आगे का अक्सर कैसे शुरू करना है इसमें खाली मैं आपको ए बताऊँगा दूसरी डिजाइन से और ये राइट टू लेफ्ट में बताऊँगा आपको तो आपको आगे की आगे अक्सर अख, शुरू करना है तो यहाँ पे आपको तीन नहीं पांच रस्सी उठानी इस बात का वैसे एक ध्यान रखना है तो आगे का अक्सर अपने आप शुरू हो जाएगा वो तो दोस्तों आगे मैंने क्या किया है वो आपको बता रहा हूं मैं कि यहाँ पे दो रस्सी मैंने, मैंने उठाई है फिर तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई फिर तीन दबाई और एक रस्सी मैंने उठाई फिर यहाँ पांच रस्सी दबाई फिर तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई आगे तीन उठाते और तीन दबाती रही तो ये लहर चलती रहेंगे आपकी उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीन रस्सी उठाई मैंने फिर तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई फिर यहाँ पे पांच रस्सी उठाइए और यहाँ एक रस्सी उठाइए ये जोड़ा से है एक रस्सी आप देख पाएंगे ये एक रस्सी है फिर मैंने तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई आगे इसी प्रकार से तीन दबाते तीन उठाते रहिए फिर यहां मैंने एक दबाई फिर तीन उठाई तीन दवाई 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 आगे तीन उठानी और तीन दबानी है अब दोस्तों आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ आपको पांच रस्सी कब दबाना है इस बात का आपको ध्यान रखना है कि देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात जब सात रस्सी हो जाएंगी सॉरी छ रस्सी हो जाएंगी तो सातवीं रस्सी में आपको एक दबाना है ये पांच दबाना है यहाँ पे तभी आपका ए बनेगा आपको सातवीं रस्सी में पाँच दबाना है फिर एक उठा के तीन दबाने फिर जो आठवीं रस्सी आएगी उसको यहाँ तीन दबा कर एक उठा दीजिए फिर यहाँ पर आपको आगे पाँच दबानी है सातवीं और आठवीं रस्सी का आपको ध्यान रखना है दोस्तों अब आगे और रस्सी कैसे बनेंगे और ब्लॉक में किस प्रकार से बंद होगा वही मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको पहले वाली ए से अलग डिजाइन की है ये आपको क्लियर कर देता हूँ मैं ये अलग डिजाइन से ए बनाई मैंने हाँ तो दोस्तों आगे मैंने क्या किया यहाँ पे दो रस्सी दवाई फिर तीन उठाई तीन दवाई तीन उठाई तीन, तीन दवाई तीन उठाई तीन दवाई तीन उठाई फिर एक रस्सी मैंने दबाई यहाँ पे फिर तीन उठाई तीन दवाई तीन उठाई तीन दवाई तीन उठाई तीन दवाई आगे इसी प्रकार से तीन उठाते और तीन दबाती रहिए फिर मैंने यहाँ पे तीन रस्सी दबाई है तीन उठाई तीन दवाई तीन उठाई तीन दवाई तीन उठाई तीन दवाई फिर यहाँ पे दोस्तों पाँच रस्सी उठाई मैंने फिर तीन दवाई तीन उठाई तीन दवाई तीन उठाई इस प्रकार से तीन उठाते और तीन दबाती रहिए उसके बाद एक रस्सी उठाई यहाँ पे कि तीन दवाई तीन उठाई तीन दवाई तीन उठाई तीन दवाई तीन उठाई तीन दवाई तीन उठाई तीन दवाई तीन, तीन उठाई इस रस्सी में पूरी में ही तीन दवाई है और तीन उठाइए इस प्रकार से कोई भी आपको इंटरफेयर नहीं करना है देखो तो ये भी हमने ब्लॉक यहाँ से मुड़ गए हैं और ये यहाँ से ब्लॉक अब ये कितनी रस्सी बाद में आपको ब्लॉक मोड़ना है दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ जब आपकी नौ रस्सी हो जाएंगी जब दसवीं रस्सी आप डालोगे तो आपको ये ब्लॉक मोड़ना है इस बात का आपको ध्यान रखना है देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये दसवीं रस्सी आपको यहाँ पे सिंगल दबेगी एक और यहाँ पे ये यह मोड़ना है आपको ये आगे की तरफ कर देना है एक रस्सी वहां से आप आगे की तरफ दबा दोगे यहाँ से एक रस्सी कर देंगे आगे की तरफ तो वो इधर आ जाएगी ये मुड़ती हुई लहर नजर आ जाएंगे आपको ये तो देखो लहर भी मुड़ गई है अब ब्लॉक में कैसे बंद होगा वही मैं आपको बताऊंगा इस प्रकार से ये रस्सी आपको ध्यान रखनी है अब यहाँ आपको किस प्रकार से आगे करना है वो एको, एक बात आपको मैं बता रहा हूँ तो आप ध्यान दीजिए कितने रस्सी बाद में आपको पाँच दबानी है कितने रस्सी बाद में आपको एक दबानी है वो सभी चीज़ कितने रस्सी बाद में आपको ब्लॉक ये बंद करना है और इधर से ब्लॉक में आपको बता दिया कि छः रस्सी बाद में आपको ध्यान देना है तो इस प्रकार से ब्लॉक को आपको बंद करना है हाँ तो दोस्तों आगे मैंने क्या किया है यहाँ पर दो रस्सी उठाइए फिर तीन दवाई तीन उठाई तीन दवाई तीन उठाई तीन दवाई तीन उठाई फिर एक रस्सी मैंने यहाँ पे दवाई है फिर तीन उठाई तीन दवाई तीन उठाई तीन दवाई आगे इसी प्रकार से तीन उठाते और तीन दबाती रही फिर यहाँ मैंने तीन रस्सी उठाई है फिर तीन दवाई तीन उठाई तीन दवाई तीन उठाई तीन दवाई फिर पाँच रस्सी उठाई है फिर तीन दवाई तीन उठाई तीन दवाई तीन उठाई आगे इसी प्रकार से तीन उठाते और तीन दबाती रहिए फिर मैंने एक रस्सी दबाई है तीन उठाई तीन दबाई 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 इस प्रकार से आगे मैंने तीन उठाती और तीन दबाई हैं दोस्तों पूरा ब्लॉक में कैसे बंद होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ ये ए हमारी बंद कर तैयार हो गई है इस प्रकार से ये एक आपको कब दबाना है दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ जब ये हमारी बारह रस्सी हो जाएंगी तब आपको एक दबाना है यहाँ पे देखो जिनके बता देता हूँ मैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और जो तेरहवीं नंबर रस्सी है उसमें एक दबाना है इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों जब ये हमारे बारह रस्सी हो जाएंगी और तेरह नंबर रस्सी में एक दबाना है जब भी आप एक दबाओगे यहाँ पे यहाँ पे तो उसके बाद में आप कोई भी एक दबाओगे यहाँ पे आगे नाम में उसके बाद हमेशा पांच रस्सी उठेंगी इस बात का भी आपको ध्यान रखना है और जब स्टार्टिंग करोगे तब भी दोस्तों आपको पांच रसी उठानी होंगी फिर एक दबेगी ये एक दूसरा के विपरीत है हमेशा जब उठाओगे तब भी आपको जब नाम स्टार्टिंग करोगे तब भी आपको पांच उठानी पड़ेंगी जब नाम आप बंद करोगे तब भी आपको पांच उठानी पड़ेंगी तो इस बात का भी ध्यान रखना आपको अब ब्लॉक में कैसे बंद होगा वही मैं आपको दिखा रहा हूँ हाँ तो दोस्तों आगे आपको क्या करना है यहाँ पे दो रस्सी दबाना है फिर तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन, तीन दबाई फिर एक रस्सी यहाँ पे उठाने आपको फिर तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई आगे इसी प्रकार से चलते रहिए आप फिर यहाँ मैंने तीन रस्सी दबाई है फिर तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई फिर पाँच रस्सी मैंने दबाई है फिर तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई आगे इसी प्रकार चलते रहिए आप फिर यहाँ पे मैंने एक रस्सी उठाई है तीन 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 फिर तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई फिर तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई इस प्रकार से आगे आप ये ब्लॉक से आगे तीन उठाते और तीन दबाते रहिए और आगे यहाँ पे आपको दो रस्सी उठानी है फिर तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई फिर एक रस्सी यहाँ पे आपको दबानी है दोस्तों फिर तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई तीन दबाई आगे इसी प्रकार से तीन उठाते और तीन दबाते रहिए तो इस प्रकार से पूरा ब्लॉक में ये हमारा ए बनकर तैयार हो गया है और बंद गए ब्लॉग में भी बंद हो गए तो आशा करता हूँ कि दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि इस वीडियो संबंधी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख आप बता सकते हैं यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें तो आज की वीडियो में इतना ही फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर रहूँगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत